हेलो एंड वेलकम टू द चैनल जय हो स्टडी। मेरे ख्याल से सभी लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और थंबनेल मॉर्निंग में कुछ वीडियो अपलोड होने में दिक्कत हो गई थी, कुछ और वीडियो अपलोड हो गया था, वो कुछ और आ गया था। अभी ये वीडियो सही जा रहा है। संडे मैं जनरली फंडे के रूप में ही हमेशा से कह रहा होता हूँ कि संडे को मैं वीडियो लेक्चर नहीं बनाता। मैं अंधी भीड़ में भागने वालों में से हूँ नहीं कि सबको बस लगे पड़े हैं। संडे को जनरली मैं मोटिवेशनल टॉक्स करता हूँ। मॉर्निंग में वो आपको वीडियो देने वाला था, नहीं हो पाया, तो मैं ये इवनिंग में कर रहा हूँ। वो अपलोड गलत हो गया था। तो मेरे थंबनेल में लिखा हुआ नंबर 1 पॉइंट कि हर किसी को क्वांटिटी चाहिए, क्वालिटी से मतलब नहीं। और ये सत्य बात है एकदम, मैं आपको भी बताऊंगा थोड़ी देर में क्यों। नंबर 2 में लिखा है कि हर किसी को शॉर्टकट चाहिए, सफलता के लिए शॉर्टकट होगा, ऐसा हो भी सकता है, लेकिन 99% केसेस में ऐसा नहीं होता। जो सफल होता है उसके लंबे पीछे की कहानी बहुत लंबी होती है। नंबर 3, मैं समझ पा रहा हूँ कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि प्री क्यों नहीं पास हो पा रहा। आखिर ऐसा क्या है कि ऑनलाइन इतनी चीज़ें, इतने कंटेंट अवेलेबल हैं, उसके बाद भी प्री का नहीं निकल पाना, आखिर इसमें क्या दिक्कत है। इन सब बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये जनरली संडे को एक वीडियो लेक्चर मोटिवेशनल पे ही मोटिवेशन पे होता है, तो आप उसको जरूर आखिरी तक जरूर सुन के जाएं, क्योंकि इससे आपको ये एक तो पता लगेगा कि प्रीलिम में आप दिक्कत है, आपको कमी क्या हो रही है, क्या आपके अंदर चीज़ें, क्या आपको पकड़ना है, किस तरीके से आपको करना है, ये आपको पता लग जाएगा। और ये वो व्यक्ति जरूर बता सकता है जिसने कई सारे अनुभव लिए हुए हैं इन सब चीज़ों के, उन सब चीज़ों को, उन बाधाओं को पार किया हुआ है, तो वो अच्छे से बता पाएगा। तो आप मेरे अनुभव से भी सीख सकते हैं कि ये किस तरीके से प्री की परीक्षा बहुत आसानी से कैसे निकल सकती है, जहाँ तक मुझे लगता है इससे आपको बेनिफिट होगा। नंबर 1, हर किसी को कंटेंट की क्वालिटी से मतलब नहीं होता, कंटेंट की क्वांटिटी से मतलब होता है। अब देखिए, आप कंटेंट की क्वांटिटी के पीछे भागते हैं। मैं कई सारे बच्चों ने कोर्सेज ज्वाइन किए हुए हैं, पीडीएफ 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 की लंबी लाइनें लगती रहती हैं, और पीडीएफ हम शेयर भी करते हैं, ऐसा नहीं है, हर कोई वही कर रहा है। वही मैंने कहा ना, अंधी भीड़ के पीछे हर कोई भाग रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो दिन भर की 50 PDF में आप कितना PDF पढ़ लेते हैं। तो हमारे चैनल का सबसे बड़ा एक थंब रूल है, पहला कि हम बहुत बेसिक चीज़ पर फोकस करते हैं, नंबर 2, इधर उधर की बातों से हमें मतलब होता नहीं, टू द पॉइंट चीज़ों को चलेंगे। आप कोई भी लेक्चर सीरीज देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, पुराने लेक्चर ही पड़े हुए हैं। मैं हमेशा टू द पॉइंट, या जो भी फैकल्टी हमारे यहाँ है वो टू द पॉइंट चलती है। वो ऐसा नहीं होता कि टू द पॉइंट पॉइंट पे ना आए, और पता नहीं, बताने के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं, देख कर बताई जा सकती हैं, लेकिन फिर वही बात है, हर किसी का अपना एक मतलब एक्सपीरियंस होता है, वो अपने तरीके से बताता है, लेकिन हमारे यहाँ इस तरीके से नहीं होता। तो कंटेंट के पीछे, कंटेंट की क्वालिटी के पीछे जब तक आप नहीं भागेंगे, जब तक आप कंटेंट की क्वांटिटी के पीछे भागते रहेंगे कि अरे हाँ, वो चैप्टर नंबर 1 में सब कुछ भर दिया, आपके मतलब का नहीं है तो भी भर दिया, आपके मतलब का नहीं है तो भी बता दिया, अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल से यहाँ दुनिया भर की कोचिंगें चल रही हैं मुखर्जी नगर में, अगर मैं इधर इस साइड आ जाऊँ करोल बाग में, तो वहाँ पर भी चल रही हैं, और साल में कई लाख लोग पढ़ने के लिए आते हैं, और हर कोचिंग में एक पर्टिकुलर टॉपिक, चाहे वो अगर भारत की फॉरेन पॉलिसी भी होगा, चलो भारत की फॉरेन पॉलिसी है तो जल्दी उसमें ज़्यादा पेजेस भरेंगे, मैं मान के चलता हूँ, लेकिन 10 भरते होंगे तो 20 भरवाए जाते हैं, लिखवाए जाते हैं, और ये मान के चल जाता है इतना लिखवाएंगे तो आप इतना लिख के आओगे, है ना। लेकिन बाद में जब आप एंड में आते हैं मेंस की तैयारी करते करते, जब आप बिल्कुल आपका आखिरी दिन चल रहा होता है कि मेंस होने वाला है, तब फाइनली आपसे कहा जाता है कि वो 5 चीज़ें तैयार कर लो जो इम्पोर्टेंट है, बाकी भूल जाओ। तो फाइनली क्रक्स तो यही निकल, इसका अगर मैं इसको कंक्लूड कर लूँ तो मैं समझ में, तो मुझे यही आ रहा है कि क्वालिटी पर आप फोकस करिए, वो 5 पॉइंट हमेशा से आपको याद ही रह पाएंगे, तभी आप उनको लिख पाओगे। 75 चीज़ें याद करके आप वहाँ 5 चीज़ें निकल जाएंगी, ऐसा नहीं होता। कि पता नहीं कहाँ से, मुझे नहीं पता कहाँ से ये मिथ होकर चला आ रहा है, और कई लोग ऐसा करते भी हैं। नंबर 2, जैसा कि मैंने बोला, किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता, ये मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ बहुत आसानी से नहीं मिल पाती। कई लोग पी का एग्जाम्पल देते हैं, कई लोग कई IAS का एग्जाम्पल देते हैं कि देखो पहली बार में निकल गया और कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा, तो देखो हर किसी के अपने संघर्ष होते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि हर किसी का अपना संघर्ष है, संघर्ष में साथ चलने वाले बहुत कम होते हैं, सफलता में भीड़ चलती, भीड़ आपको फॉलो करती है, संघर्ष में आपको भीड़ फॉलो नहीं करती। हाँ, वो संघर्ष की ख्याति हो जाती है तो भीड़ भी फॉलो करती, क्योंकि आपकी सफलता के बाद वो संघर्ष की बातें की जाने लगती हैं, लोग जानने लगते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला कि सबसे बड़ी समस्या आपके साथ जो है, कि आप अगर आप इस सब बात को समझने की कोशिश करें
कि आखिर ऐसा क्या है जो हर कोई ये क्यों बोल रहा है कि किसी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता, सफलता बहुत लंबे स्तर की मेहनत मांगती है। तो मैं जनरली यहाँ पर एक कहानी सुनाता हूँ, और हर किसी को ये कहानी हर किसी ने सुन रखी है मेरे ख्याल से, यूट्यूब पे जनरली आपको मिल जाएगी, कई लोग सुनाते रहते हैं। ईगल की कहानी, जिसे हम लोग कहते हैं कि राजा है, पक्षियों का राजा है ईगल, इसके लिए कहा जाता है कि 70 साल के अपने जीवन में, जो बाज है ये 70 साल के अपने जीवन में, इसका टाइम पीरियड है जीवन का 70 साल का, 40 साल जीता है, और उसके बाद अगर 40 साल बाद इसने संघर्ष जारी रखा तो ये अगले 30 साल और जी लेता है। लेकिन अगर 40वें साल इसने अपने संघर्ष को छोड़ दिया, अगले 30 साल जीने के लिए संघर्ष नहीं किया, तो वो 40वें साल में ही कुत्तों के द्वारा या किसी और के द्वारा चीर फाड़ के खा लिया जाएगा, ठीक है, या कोई और उसको निकल जाएगा। तो ये बाज की कहानी जनरली हम लोग सुनते हैं कि 40वें साल में जब वो अपने होता है, जब वो बुजुर्ग हो रहा होता है, तो उसके पंख, उसकी चोंच, उसके पंजे सब खराब हो जाते हैं, चोंच से शिकार नहीं पकड़ा जाता, पंजों से शिकार वो मतलब ग्रैब उसको पकड़ नहीं पाता है, ग्रिप नहीं बना पाता है, और पंख उसके उड़ने में उसकी सहायता करना छोड़ देते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, जब आप अपने जीवन के किसी ना किसी ऐसे स्तर पर पहुँचेंगे, जैसे हम आजकल बाइडेन का नाम सुनते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति का, कि इतने साल के बाद भी, पैरालिसिस होने के बाद भी वो व्यक्ति जिम्मेदारी को निभाने के लिए तत्पर हैं, तो कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे एग्जाम्पल आपके सामने हैं कि अगर वो गिद्ध 40वें साल में, ठीक 40वें साल में, जब उसके सामने ये सारी समस्याएं आ चुकी हैं, चोंच नहीं खराब हो गई है, पंजे खराब हो चुके हैं और उसके पंख भी खराब हो चुके हैं, तो वो चाहे तो गिव अप कर सकता है। लेकिन अगले 30 साल तक जीने के लिए वो एक ऊंची चोटी को देखता है, सबसे जिस एरिया में है वो उसके सबसे ऊंचे भाग पे जाएगा, वहाँ पर बैठेगा और वहाँ पर अपने ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया को शुरू करेगा, अपनी चोंच को पत्थर पे मार मार के तोड़ेगा, क्योंकि वापस से नई चोंच आनी है, प्रकृति एक नई चोंच देगी उसको, और उस चोंच के आने के बाद जब वो नई चोंच पहले तोड़ेगा, लहूलुहान हो जाएगा, खून खून उसके हो जाएगा, दर्द में चोंच तोड़ने के बाद जब उसकी नई चोंच आएगी, तो फिर वो अपने उन पंखों को तोड़ेगा जो उड़ने में सहायक नहीं बचे, एक और दर्द, उन पंजों को घिसेगा पत्थर पे, जिससे वो शिकार करना अब उसका दिक्कत हो गया, उनको भी तोड़ेगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो उसका है 40 ईयर के बाद, अगले 30 साल तक के जीने के लिए, तो अगर वो चाहे तो किसी भी स्तर पर गिव अप कर सकता है, उसकी सफलता का भी कोई शॉर्टकट नहीं है। तो जबकि पक्षियों का राजा है। तो मैं इस कहानी के द्वारा बस इतना सा बताना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ संघर्ष बहुत लंबे होते हैं, आपको किसी किसी की कहानी पता लग जाती है और किसी की कहानी आपको नहीं पता लगती, और संघर्ष कई तरीके के हो जाते हैं। तो इस चीज़ को लेकर कि सफलता के लिए कोई एक टेस्ट सीरीज लगा लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा और किताबें नहीं पढ़नी पड़ेंगी तो नहीं होगा, ऐसे बिरले एग्जाम्पल मिलते हैं, और मैं शब्द इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि ऐसे लोग बहुत यूनिक अद्वितीय क्यों होते हैं, उसका कारण यह है कि उनका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं बहुत अच्छा चल रहा होता है। वरना बिना थ्योरी पढ़े जो आप एमसीक्यू का रट्टा लगा रहे हैं बैठ के, अरे एमसीक्यू मिल जाए, एमसीक्यू दे दो, टेस्ट सीरीज दे दें सारी, और उससे सिलेक्शन हो जाएगा, तो नहीं होगा, थ्योरी पोर्शन पढ़ना पड़ता है। वरना सीटें जितनी निकलती हैं, सिलेक्ट 4,000 होते हैं, देने वाले 5-6 लाख होते हैं, 4 लाख होते हैं, 4,000 ही जाते हैं प्री में, या इस बार 9,000 चले जाएंगे, सीटें 750 होंगे तो 9,000 चले जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन देने वाले 5 लाख हैं, और उन 5 लाखों में 9,000 के अंदर आने के लिए एड़ी चोटी लगानी पड़ेगी, जिसमें आपको थियोरेटिकल पोर्शन पे ध्यान देना पड़ेगा। और ये मैं बिल्कुल इसलिए नहीं कह रहा कि आप मेरा प्रमोशन अपना कर रहा हूँ, हमारा थ्योरी वीडियो जिसका देख रहे हैं उसका देखिए, लेकिन थियोरेटिकल पोर्शन को देखने की कोशिश करिए। आपका बेस नहीं है और आप ऊपर की ऊंचाई पर चढ़ गए हैं तो मज़ा तो बहुत आता है कि हाँ सब कुछ आ गया, सब समझ गए, लेकिन जब वहाँ से गिरेंगे तो चोट बड़ी गहरी लगेगी। ठीक, नंबर 3, प्री क्यों नहीं पास हो पा रहा। देखिए, प्री पास नहीं होने का कारण, सबसे बड़ा कारण है कि आप R2 पे फोकस नहीं करते। ये R2 क्या है, रिटेन और रिकॉल पे फोकस नहीं कर पाते। आप रिटेन नहीं कर पाते चीज़ों को और आप उनको रिकॉल नहीं कर पाते। रिटेन का मतलब आपने पढ़ा, उसको पढ़ने के बाद 7 दिन बीता और आप भूल गए, आपके दिमाग में कोई चीज़ रिटेन ही नहीं है, तो आप रिकॉल कहाँ से कर पाओगे उसको, वापस से अगर आपको सोचने को कहा जाएगा तो आप सोच ही नहीं पाओगे। तो इन रिटेन और रिकॉल को करने के लिए सबसे प्री की सबसे अच्छी स्ट्रेटजी यही है, और मैं हमेशा कई लोगों को मैं बताता रहता हूँ कि बजाय इसके कि 10 सोर्सेज से पढ़ा जाए, 1 सोर्स को 10 बार पढ़ लिया जाए। फिर से बोल रहा हूँ, बजाय इसके कि 10 सोर्सेज को पढ़ा जाए, 1 सोर्स को 10 बार पढ़ लिया जाए। जो लोग ये कह के चले गए, और मैं भी ये कह के हो सकता
मतलब मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर भविष्य में ऐसा कुछ होगा तो आपको ये बात याद रहनी चाहिए कि बहुत अनुभव के साथ ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। एक चीज़ को 10 बार पढ़िए, 10 चीज़ों को एक बार पढ़ने से एक चीज़ को 10 बार पढ़ने का जो फ़ायदा होगा वो 10 चीज़ों को एक बार पढ़ने का फ़ायदा नहीं होगा। वही एक चैप्टर लक्ष्मीकांत का अगर प्रेसिडेंट आपने 10 बार पढ़ रखा है, और वही आप राष्ट्रपति लक्ष्मीकांत से ही पढ़ लीजिए, विजन से ही पढ़ लीजिए, बाबा आईएएस से ही पढ़ लीजिए, इनसाइट सबसे पढ़ डालिए, हाँ ये बात अलग है कॉन्सेप्ट हर जगह पे सेम होगा, लेकिन उस जो लैंग्वेज जो भाषा होती है उसका दिमाग में छाप, तभी आप उसको रिटेन कर पाएंगे, तभी आप उसको रिकॉल भी कर पाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको जितना जल्दी आप फॉलो करेंगे उतना जल्दी आपके सक्सेस रेट प्री के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी ये प्री की स्टडी बता रहे हैं, फिर मेंस की स्टडी में चर्चा कर चुका हूँ, पहले ही कर चुका हूँ। कुछ बुद्धिजीवी आएंगे नीचे कमेंट करने के लिए, मुझे पता है कि जिनका नहीं निकलता वो ऐसी बातें करते हैं। देखिए इसका आंसर मतलब मुझे लगता है देने का मुझे ज़रूरत है नहीं, कई लोग कई तरीके से मुझे कई सालों से जानते हैं, उन्हें पता है, तो उन बुद्धिजीवियों के लिए यही है कि खुश रहिए, जो कमेंट कर रहे हैं उसी में खुश रहिए और दो चार और करिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर फोर्थ, मैंने आपसे बोला कि मतलब मैंने बताया प्री क्यों नहीं पास हो रहा, नंबर फोर्थ जो मैं ऐड करना चाहता हूँ वो ये कि देखिए ये बहुत श्योर है कि टीचर आपको सफलता दिलाने का रास्ता दिखा सकता है, वो आपको हाथ पकड़ के उस दलदल से खींच सकता है जहाँ उसे लग रहा है कि आप गलती करने वाले हैं। यही मेरा काम है, मैं यही करता हूँ और मैं यही कर सकता हूँ। मैं यहाँ ये दावा करने के लिए नहीं बैठा हूँ कि आप कुछ ना पढ़ो और मैं आपको 100% सफलता दिला दूंगा, नहीं हो पाए तो फीस वापस कर दूंगा, तो मैं ये नहीं कह सकता। हाँ ये दावा जरूर मैं कर सकता हूँ आपके भरोसे पे कि अगर आप मेहनत मेरे साथ कर रहे हैं, आप कंटिन्यूअसली मुझे फॉलो कर रहे हैं, आप कंटिन्यूअसली मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं जैसे चल रहा हूँ वैसे चल रहे हैं, अंधी भीड़ में मत भागिए कि सर अरे ड्यूरेशन बढ़ा दीजिए क्लास का, 40 मिनट कर दीजिए, 50 मिनट कर दीजिए, हम लिख लेंगे। देखिए जितनी आपकी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से ही मैं चल रहा हूँ, आप मुझे फॉलो करिए। ये मतलब ये मैं आपके भरोसे पे के दावा कर सकता हूँ कि अगर आप उस तरीके से चल रहे हैं तो आपका सिलेक्शन PCS 2021 के प्री में नहीं रुकना चाहिए, और यही RO AR में प्री प्रारंभिक परीक्षा में नहीं रुकना चाहिए, वो आपका निकल जाना चाहिए। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ मैं रास्ते दिखा सकता हूँ, मैं वीडियोस दे सकता हूँ, मैं दे रहा हूँ, मैं तरीके बता सकता हूँ, मैं करने की कोशिश पूरी कर देता हूँ कि जितना बताया जा सके उतना बताऊँ, लेकिन क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं कि आप उसमें से छांट नहीं पा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जय हो स्टडी पे पढ़ो आके, जहाँ भी एक्सपायर्ड जहाँ भी चैनल पे आप पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही अपनी जो आपकी मतलब बंधे हैं तो उससे बंधे रहिए, ये ज़्यादा अच्छा है कि आप एक ही चीज़ को बार बार पढ़िए, जो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन क्वालिटी पर फोकस करिए, क्वांटिटी पर फोकस मत करिए, आपके लिए ये सही नहीं। बाकी आप खुद को बेहतर समझते हैं, मेरे ख्याल से मैंने इसलिए आखिरी में लिखा कि आपको ये सुनकर खुद को समझना है कि आप करना क्या है आगे के लिए। बार बार मैं प्री के लिए बता रहा हूँ कि एक सोर्स को 10 बार पढ़िए, और जिस तरीके से चल रहे हैं हम लोग उसी तरीके से चलिए। आपको सफलता के मिलनी है या नहीं मिलनी है ये आप पर निर्भर इसलिए ज़्यादा करता है कि हम आपको वो सब प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश कर जाते हैं जो हमें लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो आने हैं पेपर में, जो मुझे लग रहा होता है कि हाँ ये इस जगह पर जाके एग्जामिनर रुकेगा और क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी प्लेलिस्ट में एक प्रीलिम बूस्टर सीरीज़ के अंतर्गत आज एक वीडियो डिलीट हो गया मुझसे, उसमें 15 MCQ पढ़े हैं पॉलिटी के, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के, मुझे नहीं लगता कि उस बेसिक कॉन्सेप्ट से कुछ बाहर जाएगा, उतना ही आएगा। अब आप हाई दबाव मचा के 100 और कर लीजिए क्वेश्चन, कोई उसका फायदा नहीं होगा। तो इसलिए आपको बहुत ही मतलब विचार के साथ ये अब सोचना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। दिन बहुत कम है, दिन कम है मतलब जून तक का समय है आपके पास, तो फरवरी मार्च अप्रैल मई 3 महीने, लगभग 90 डेज का टाइम है आपके पास। उस दौरान आप किस प्रकार से क्या करना चाहते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक किताब 10 बार पढ़िए, 10 किताबों को एक बार कतई मत पढ़िए, सूत रहिए। इसके अलावा कहने को मैं बहुत सारे स्ट्रेटजी बता सकता हूँ, ये भी करना है, ये भी कर लीजिए, ये भी कर लीजिए, लिखिए, ये सब बता सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए सिर्फ एक, वो यही एक किताब को 10 बार पढ़िए, एक चैप्टर को 10 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, और पढ़िए 10 बार। जब 10 बार पढ़ जाए और आपको लगे कि हाँ आप नोट्स बना के इससे कुछ फ़ायदा है तो नोट्स बना लीजिए, 4 पॉइंट ही आएंगे, 4 पॉइंट से ज़्यादा किसी चैप्टर में नहीं निकलेंगे, लेकिन 10 बार पढ़िए। तो ये आज का वीडियो था मेरा, सुबह मैं अपलोड नहीं करा था, मैंने गड़बड़ हो गया था, तो देखते रहिए कल से फिर वही। मैं संडे को नहीं पढ़ा रहा होता हूँ जनरली, मेरा अपना एक उसूल होता है,
मंडे से कल वही फिर प्रॉपर सुबह रिव्यू ऑफिसर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का एक वीडियो जहाँ पर हम लोग इंडियन पॉलिटी करना है। कल हम लोग पढ़ेंगे चीफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर और साथ में एडवोकेट जनरल। कल ही खत्म करेंगे या फिर कल तीन चीज़ें खत्म करेंगे, परसों एक चीज़ खत्म करेंगे, ऐसा करेंगे। शाम को हम लोग समीक्षा UPPCS अपर 2021 में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं जहाँ पर हम लोग गांधीयन फेज की शुरुआत करने वाले हैं। गांधी जी का आगमन होगा, बंगाल के रिवोल्यूशनरी फेज, क्रांतिकारी आंदोलन का बंगाल फेज देखेंगे, बंगाल में क्या क्या हुआ, कौन कौन सी चीज़ें बनी, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी क्या थी, सब बारे में चर्चा कर लेंगे। और बीच में मतलब सुबह और शाम के बीच में दोपहर में एक करंट अफेयर का कोई वीडियो आएगा जिसमें 5 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के जो आएंगे रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और UPPCS पर में इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे कल का एक वीडियो मेरा डिलीट हो चुका है, मैंने उसमें कई 5 फैक्ट 10 फैक्ट 8 फैक्ट बताए थे, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप नोट्स बना पाए ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो मैं PDF शेयर कर दूंगा आपको, जो मैं टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके अतिरिक्त अगर आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप पता कर सकते हैं किस प्रकार से इसमें आगे बढ़ना है। प्री की तैयारी के लिए, बेहतरीन तैयारी के लिए आप जेव स्टडी पर भरोसा कर सकते हैं। रिलायबल चैनल रहा है हमेशा से। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा के 2017 में काफ़ी सारे सिलेक्शन हुए हैं जेव स्टडी से। UPPCS अपर 2018 में मैं कई बार बोल रहा हूँ सिलेक्शन हुए हैं, फिर आप भरोसा करके जेव स्टडी को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपको अगर कुछ और जानकारी चाहिए तो आप, मैं अपना नंबर दे दूंगा, तो आप मुझे वहाँ पर पिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।